हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरे सामने खड़ी है स्विफ्ट डिजायर VXI, जो कि 2023 का मॉडल है। और आज इसके फीचर्स की बात करेंगे और ऑन रोड कितने की हमें पड़ रही है, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रंट से बात करते हैं इसकी। तो फ्रंट में यहाँ पे इसकी लाइट्स मिलती हैं येलो कलर वाली, और ये इंडिकेटर बल्ब। नीचे फॉग लैंप वगैरह कोई मिलता नहीं है। और सामने यहाँ सुजुकी का लोगो। ये VXI मॉडल है तो इसमें फॉग लैंप वगैरह नहीं आते हैं। और ये जो क्रोम लगा रखी है, ये अलग से एस सीरीज का पार्ट है। साइड से बात करेंगे, फेंडर में कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता है। टायर साइज की बात करते हैं इसकी, तो 165/80 R14 का टायर मिलता है और व्हील कैप मिलते हैं ये सुजुकी के ही। बॉडी कलर वार में मिलते हैं और यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है। डोर हैंडल भी बॉडी कलर मिलते हैं और क्रोम वगैरह इसमें कोई लगी नहीं है। ये डोर वाइजर, ये भी एस सीरीज़ का पार्ट है। पीछे यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलता है इसका। और अब ये पेट्रोल में ही आती है केवल, क्योंकि VS6 नॉर्म आने के बाद सुजुकी पे कोई डीजल इंजन नहीं बचा है, तो ये पेट्रोल में ही आती है केवल। तो रियर से बात करते हैं इसकी। बीच में यहाँ सुजुकी का लोगो और ये इसकी टेल लाइट्स। 4 रिवर गेट सेंसर्स मिलते हैं इसमें और नीचे यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं। और बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पर इसका बटन दिया हुआ है, यहाँ से इसका बूट ओपन हो जाता है। और ये देखिए कुछ इस तरह का स्पेस मिलता है इसमें। मैं डाल दूँगा कितने लीटर का बूट स्पेस मिलता है इसमें। यहाँ पर इसका एंटीना और यहाँ पे इसकी लाइट्स दी हुई हैं, बैक लाइट्स। जब ब्रेक दबाते हैं तो जलती हैं। और डिफॉगर वगैरह इसमें कोई आता नहीं है, केवल यहाँ पे एंटीना पीछे डैक के लिए। और साइड से बात करते हैं, ये देखिए साइड से देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। जो पहली वाली आती थी उससे वैसे थोड़ी सी हल्की सी फील होती है। और ये देखिए साइड से इसका लुक। तो एक बार इसको मैं भीतर से दिखा देता हूँ आपको। और इसकी चाबी की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह की ओल्ड वही जो चाबी आती है सुजुकी की, और ये टी टी वही करती है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे इसका RPM मीटर और ये कुछ ये स्पीडोमीटर। और यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये रेंज दिखा रही है 115 किलोमीटर और ये एवरेज 18 का एवरेज निकाल के दे रही है पेट्रोल में। VXI स्विफ्ट डिजायर तो कुछ इस तरह के इसमें कंट्रोल्स आते हैं ये। और इसके स्टीयरिंग की कंट्रोल्स की बात कर लें तो यहाँ के वॉल्यूम के कंट्रोल्स और कॉल को अटेंड करने के लिए यहाँ पे इसका बटन मिलता है। ब्लूटूथ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे और एक एयरबैग यहाँ पे मिलता है इसका। और हॉर्न की आवाज़ सुना दूँ मैं, कुछ इस तरह का इसका हॉर्न है। मैंने एसी थोड़ी आवाज़ कर रहा है इसका, एसी मंदा कर लिया है। और टिल्ट आता है इसमें, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। यहाँ पे एसी के नोब्स दिए हुए हैं, इसके यहाँ से सेट कर सकते हैं हम ये प्रोटेक्शन कंट्रोल्स के लिए, ये आगे लाइट्स को सेट करने के लिए। विंडो में बात करेंगे तो चारों पावर विंडो मिलती हैं इसमें, यहाँ से लॉक अनलॉक करने के लिए। और शीशे को बंद करने के लिए यहाँ से मिलता है, इसको दबा देंगे तो शीशे अप एंड डाउन नहीं होंगे। वो RPM को सेट यहाँ से कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। ये देखिए इसे फोल्ड हो जाएंगे एक साथ दोनों ही, इसको प्रेस करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे। देखिए ये देखिए, और कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं हम इनको। साइड से बात करेंगे अब इसकी, एसी के वो मिलते हैं और यहाँ पे इसके 4 इंडिकेटर जल जाएंगे एक साथ। और ये कुछ इस तरह का इसका टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, यहाँ से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए। ये और ब्लूटूथ वगैरह इसमें सब मिलती है, एप्पल कारप्ले के साथ ही आती है। और मैनुअल एसी मिलता है इसमें, यहाँ एसी को बंद करने के लिए और चालू करने के लिए हीटर। और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और ये सी टाइप का फोल्डर। वायरलेस चार्जिंग इसमें आती नहीं है। और 5 मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही आती है। रिवर गियर सेंसर 4 मिलते हैं इसमें। हैंड ब्रेक कुछ इस तरह का मिलता है और यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। साइड से बात करेंगे,
एक ग्लव बॉक्स, ज़्यादा थोड़ा बड़ा छोटा ही मिलता है, ज़्यादा कुछ स्पेस में नहीं मिलता है, और एक एयर बैग यहाँ पे मिलता है, दो एयर बैग मिलते हैं इसमें टोटल, एक यहाँ पे और एक ड्राइवर के लिए। IRBM की बात करेंगे तो IRBM डे और नाइट के लिए सेट कर सकते हैं, और ये इसकी लाइट्स येलो कलर की, ये टॉप मॉडल में आता है, ये स्पीकर्स, माइक भी आता है इसमें यहाँ पे, और ये मिरर वगैरह कोई इसमें मिलता नहीं है, यहाँ पे इसमें मिरर मिलता है। स्पीकर्स की बात कर लें तो 4 स्पीकर्स आते हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ और दो पीछे। ये VXI मॉडल है, इसमें जो भी है ये सब कंपनी फिटेड है, बाहर से कुछ भी नहीं कराया है, केवल इसमें क्रोम लगाई है और ये डोर वाइजर। तो एक बार मैं पीछे से दिखा देता हूँ इसमें सिटिंग स्पेस कैसा मिलता है, बैठने में तो काफ़ी कंफर्ट है, और यहाँ बोतल होल्डर, और ये इसको पकड़ने के लिए, पीछे से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको बैठ कर। तो पीछे मेरी 6 फुट हाइट है और मैं काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हूँ, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी, साइड में भी शीशे को अप एंड डाउन करने के लिए, और यहाँ से विंडो को खोलने के लिए, और ये यहाँ से इसको पकड़ने के लिए पकड़ के बैठ सकते हैं कोई किसी को ऑफ रोडिंग करनी है तो इससे। यहाँ इसी के इवेंट्स मिलते हैं, यहाँ से इसको हम सेट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट के लिए, और यहाँ चार्जिंग का सॉकेट। तो स्पेस तो इसमें काफ़ी ठीक ठाक है, ये देखिए पीछे से देखने में कैसी लगती है, और यहाँ लाइट्स मिलती हैं इसकी। तो चलिए अब इसके इंजन की बात करते हैं और इसको थोड़ा चला के देखते हैं कि चलने में कैसी है। इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन है इसका, ये देखिए आवाज़ बिल्कुल नहीं करता है, काफ़ी साइलेंट है और एकदम लाइट वेट सी फील होती है जैसे हम इसको चलाते हैं, तो चलने में वैसे काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने डीजल स्विफ्ट डिजायर चलाई थी इससे पहले, पेट्रोल में पहली बार चला रहा हूँ, तो काफ़ी हल्की सी फील होती है। और ये देखिए पंच करते हैं इसको थोड़ा सा, तो 5वें गियर में है अभी एक, तो नो डाउट गाड़ी अच्छी है, एवरेज भी अच्छा निकाल के देखी पेट्रोल में, 17.9 का एवरेज दिखा रही है अभी, तो चलने में काफ़ी ज़बरदस्त है। सस्पेंशन वगैरह सब मस्त है इसका, एकदम ओके रिपोर्ट है। चलिए एक बार इसका मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ, और बोनट को खोलने के लिए यहाँ पर मिलता है इसका, तो खींचेंगे तो इसका बोनट खुल जाएगा, और मैं आपको इसका बोनट दिखा देता हूँ। और इसके इंजन की बात करते हैं तो इसमें 4 सिलेंडर 1197 cc का इंजन आता है, जो कि देखिए कुछ इस तरह की आवाज़ करता है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन इंजन है ये। 1197 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है इसमें, जो कि 88 bhp और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और जो कंपनी क्लेम एवरेज करती है इसका 22 का करती है। फिलहाल ये मीटर में जो दिखा रही थी हमको 18 का एवरेज निकाल के दिखा रही थी, तो गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है नो डाउट, शुरू से ही सुजुकी का दबदबा रहा है रोडों पे, तो और पहले से काफ़ी ज़्यादा वेट इसमें कम कर दिया है अब, तो एवरेज और काफ़ी है, निकाल के देगी। ये देखिए सामने से ये क्रोम वगैरह सब जो है ये इसमें लगी हुई आई है, ये आवाज़ कुछ इस तरह की करती है, एसी चल रहा है अब इसका, तो नो डाउट काफ़ी गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। और इसके प्राइस की बात कर लें तो ये 851 में ऑन रोड UP 16 में आपको मिल जाएगी, मतलब 8.5 में आपको ये UP 16 ग्रेटर नोएडा में मिल जाएगी। तो गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है, कोई भाई देख रहा हो तो देख सकते हैं इसको, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।